रोहतक के मकड़ोली में आज हो रही किसानों की महापंचायत को लेकर जो है गोहाना में भी पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर कई नाके लगाकर रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़े वाहनों को गोहाना से रोहतक की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, रूट डाइवर्ट किया गया है। आप इसमें पंजाब के श्री फेसबुक पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं, गोहाना से देखिए नाका लगाया गया है, इसमें मैं मौजूद हूँ गोहाना बाईपास पर और ये रास्ता जो है गोहाना से रोहतक जाता है, नेशनल हाईवे पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे है ये, और यहाँ पर जो है नाका लगाकर पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया गया है और इस रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से बड़े वाहन जो आ रहे हैं पीछे से उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, हालांकि छोटे वाहन जो हैं उनको रोका नहीं जा रहा। इनका कहना है कि छोटे वाहन जो हैं अप्रोच के रास्ते जो गाँव के रास्ते हैं वहाँ से होके जो है आगे जा रहे हैं और पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें गोहाना से पंजाब केसरी टीवी पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं और ये जो इस समय मैं मौजूद हूँ गोहाना रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पे, जहाँ पर जो है नाके लगाकर रूट को डाइवर्ट किया गया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए ये जो पीछे से रास्ता आता है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो हाईवे है यह पानीपत की से रोहतक की तरफ जाता है और ये गोहाना का बाईपास है जहाँ गोहाना शहर में एंट्री की जाती है और यहाँ जो रोहतक की तरफ जाने की रास्ता है वहाँ पर जो है पुलिस ने नाका लगाकर जो है पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया है। यहाँ पर जो हैवी व्हीकल जो पीछे से आ रहा है या गोहाना की तरफ से आ रहा है उसको आगे की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है रोड को। हालांकि छोटे जो व्हीकल है उनको पुलिस की तरफ से कोई अभी तक रोका नहीं गया है। हालांकि किसान इनके नेता हैं वो लगातार किसान जो है यहाँ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं किसानों की गाड़ियाँ जो है लगातार किसान पंचायत के लिए जा रही हैं। पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। सर जिस तरह से नाका लगाया गया है किस तरह के क्या आदेश अफसरान की तरफ से दिए गए? अफसरान वाला के आदेश है कि भाई जो भी हैवी व्हीकल है उसको डाइवर्ट करो और ये किसानों की गाड़ियां वगैरह जो ना जारी हैं और सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। तो बड़े व्हीकल को क्या रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए? हाँ जी हाँ जी, इधर से वाया लाखन माजरा होते हुए या उधर से खरखोदा वगैरह के होते हुए डाइवर्ट करिए बड़े व्हीकलों को। और जो छोटे व्हीकल हैं हम देख रहे हैं जा रहे हैं, छोटे व्हीकलों को रोका गया था वो तो कहने लगे जी हम इधर अप्रोच रोड से होते हुए निकल जाएंगे, किसी कोई मजबूरी है मजबूरी वाला अप्रोच रोड से निकल जाता है। ऐसे नहीं जाते। ऐसे कितने स्थानों पर नाके लगाए गए हैं? यहाँ गोहाना गोहाना में तीन चार जगह लगा दिए गए। तीन चार जगह? हाँ जी हाँ जी। बात करें पीछे बड़ौता की है, ये मेन बाईपास है आगे बैसवान रुखी से भी। हाँ जी बैसवान चौकी पे भी है और ये पीछे भी है अपना सोनीपत खरखोदा रोड पे भी है। तो जिस तरह जा रहे हैं लोग उनसे पूछताछ भी की जा रही, चेकिंग भी की जा रही किस तरह की? हाँ जो सस्पेक्टेड दिखता है उसकी चेकिंग भी की जाती है। बिल्कुल देखिए आप इस समय जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना से जो है यहाँ पर जो है पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हैं। रोहतक जसिया में जो है आज मकड़ोली में जो है किसानों की महापंचायत किसानों की हो रही है उसको लेके जो है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और गोहाना से जो है जो रोहतक की तरफ आगे रास्ता जाता है वहाँ पर जो है बड़े व्हीकलों को जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा, रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है और जो बड़े व्हीकल पीछे की तरफ आ रहे हैं उनको पीछे ही रोका जा रहा है या फिर आगे जो है गोहाना से वाया लाखन माजरा या फिर गोहाना से खरखोदा की तरफ भेजा जा रहा है। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल।